ऊपर दूरबीन को लेके खड़े होना होना पड़ता था उन लोगों को। और ये जो मेरठ के रोड पे पड़ता है मसूरी, इसमें वहां भी बना हुआ है, तो एक दूसरे से संपर्क रह रहा था कि भाई आने वाला दुश्मन। हेलो दोस्तों, न्यू ब्लॉक में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आया हूँ खोले में, और दोस्तों जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं इसे बोलते हैं गड़गज। तो दोस्तों इसी के बारे में आज मैं जानकारी दूंगा। तो दोस्तों एक ही रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए चलते हैं दोस्तों, और इस आपको बताते हैं और जानकारी देते हैं। तो दोस्तों मैं आया हूँ आज यहाँ, और मेरे साथ कुछ बंदे भी हैं। तो यहाँ के बारे में आपको जानकारी दे दूँ, ये दोस्तों खोला पड़ता है, ये आप देख सकते हैं चारों तरफ घना जंगल है दोस्तों, ये आप देख सकते हैं, ये घना जंगल चारों तरफ है दोस्तों। और यहीं पे मैं आया हूँ और यहाँ के बारे में आपको जानकारी दूंगा, इसे खोला बोलते हैं। तो यहाँ का दोस्तों ये टिल्ला है, और ये देख सकते हैं इसे बोलते हैं दोस्तों गड़गज। तो यहाँ के बारे में जो हमें जानकारी मिली है दोस्तों, इसे गड़गज बोलते हैं, और इसकी ऊंचाई लगभग 40-50 फुट के करीब है। तो ये देख सकते हैं ये बना है, ठोस बना है ये चारों तरफ से। तो ये दोस्तों अंग्रेजों को जमाने का बना है, और यहाँ का बोलना है लोगों का जो इसके बारे में जानकारी है कि जो अंग्रेजों के ज़माने के दोस्तों ये गड़गज बना हुआ है, और इससे दूरबीन ऊपर लेकर के चारों तरफ की लोकेशन चेक होया करती थी। यहाँ के क्षेत्रवासी हैं इसके बारे में। हाँ जी बताइए इसके बारे में, जो गड़गज है। देखो गाइस, ये जो गड़गज है ये हमारे खोले के अंदर जो बताया गया है, लोगों ने बताते हैं, वे बताते हैं कि इसके ऊपर दूरबीन को लेके खड़े होना होना पड़ता था उन लोगों को। और ये जो मेरठ के रोड पे पड़ता है मसूरी, इसमें वहाँ भी बना हुआ है, तो एक दूसरे से संपर्क रह रहा था कि भाई आने वाला दुश्मन कोई इसमें हो तो नहीं है। तो दोस्तों इस गड़गज के बारे में मैंने आपको जानकारी दी, और ये मेरे साथ भी आए थे, ये देख सकते हैं ये मेरे साथ आए थे, बारे में यहाँ का पता लिया हमने और आपको जानकारी दी है। दोस्तों अगर ये वीडियो हमारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार दोस्तों।